एक्सरसाइज दो पर पांच कक्षा लंबी क्वेश्चन नंबर पांच का पहला पार्ट हल करें। क्वेश्चन क्या कर रही है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ये भी क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई क्या क्या है वो उनको बताना है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई बताना है क्या क्या है देखना। देखिए कैसे वो बहुत ईजी है, कुछ नहीं बताया। 25a² - 35a यही है ना, 35a + 12 यही है और कुछ नहीं। पहले देखिए ये तो खंड के तौर पर तरह है। ठीक है, चलिए क्या करें, ये 25 × 12 बारह पंचे 60 के सुनना हाथ मेरा छे, 12 × 24 अच्छे 300 है ना, यानी कि 25 पहला टर्म और लास्ट टर्म को हम क्या किए गुना किए तो 300 आया। यहाँ कितना है, -35 है ना। अब हम इसमें कोई कौन सा अंक डाले, दो अंक कौन सा हम डाले जो कि जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर मेरा 35 आ जाना चाहिए और गुणा करने पर मेरा 300 आ जाना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर मेरा 35 आना चाहिए और गुणा करने पर 300 आ जाना चाहिए, यही आना चाहिए ना। अगर हम देखो, अगर यहाँ हम -20 ठीक है और क्या करते हैं गुना -20 और -15 को अगर क्या करेंगे, देखो -- क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका रहता है, माइनस का। 20 और 15 कितना हो जाएगा 35, ये अपना टर्म तो मेरा आ गया। अब इसको और इसको गुणा कर देंगे, देखते हैं मेरा कि मैं प्लस में 300 आता है कि नहीं। तो गुणा जब करेंगे इसको, गुणा जब करेंगे तो पहले तो माइनस मेरा प्लस हो गया, तो प्लस हो गया, चिन्ह प्लस का ही रह जाएगा। 15 और 20 को गुणा करेंगे, 15 × 2 कितना होता है 30, एक को सुना है तो एक को सुना, यानी कि 300, ये मेरा अंक राइट है, ये अंक बैठाएंगे तो मेरा बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह करेंगे, देखते हैं तो क्या करेंगे, 25a³ - 20a -15a + 12 यही कर ले। अब ये दोनों में गौर करके थोड़ा ध्यान देके देखिए, ये दोनों में यहाँ से यहाँ तक में मतलब कॉमन क्या आ रही है वो देखना, कॉमन क्या आ रही है, ये दोनों में कॉमन क्या आ रही है। अब जरा ध्यान देखिए, यहाँ भी ये भी 5 से कट रहा है 5 और ये भी 5 से कट रहा है 5 और देखिए दोनों में ए है ना, यहाँ 2 ए है यहाँ 1 है, तो दोनों में 5a कॉमन आ रही है, तो हम क्या 5a कॉमन ले लें, 5a कॉमन ले ली, यहाँ क्या बचा, 25 एक ए निकल गया, 1 ए बचा ना, माइनस 5 × 4 बार में ये तो मेरा पहले यहाँ एक है, एक ए तो पहले ले लिया, क्या कुछ नहीं बचा, यही हो गया। दूसरी बात अब इसमें देखना है, माइनस इसमें हम क्या कॉमन ले, जो कि दोनों क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, इसमें मेरे ख्याल से 3 आ रहा है, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 12 तो -3 कॉमन आ गया, तो क्या हो गया 3 × 5 = 15 है हाँ, और यहाँ माइनस कॉमन है ना, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 3 × 6 = 12 ये आ गया। अब तो इसमें जो सेम है पहले उसको ले लीजिए 5a + 4 ठीक है, और ये को ले लीजिए आप 5a - 3। अब इसमें हमको बताना है कि लंबाई कौन सा है, चौड़ाई कौन सा है, तो लंबाई चौड़ाई तो ऐसे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जो इसमें बड़ा है, जो इसमें बड़ा है उसको हम लंबाई मान लेंगे और जो छोटा है उसको चौड़ाई मान लेंगे। ये हम कैसे पता करेंगे कौन बड़ा है नहीं बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, ए का जो मान है ना वो हम 1 रख के देखते हैं, ए का मान हम 1 रख के देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं पहले, अगर a = 1 रखे इसमें तो 5a + 4 है ना, तो ए के जगह पर क्या करेंगे 5 × 1 + 4 ये करेंगे ना, सॉरी यहाँ माइनस है ठीक है, माइनस यहाँ भी तो माइनस हो जाएगा, तो 5 × 1 = 5
और माइनस चार बराबर क्या हो गया, ये वन है, इसका वन है। अब इसमें देखते हैं ए का मान वन रखते, तो ए का मान वन अगर रखते हैं इसमें तो पांच गुना एक माइनस तीन, पांच गुना एक तो पांच और माइनस तीन, पांच में दो गया, पांच में तीन गया दो, तो बड़ा कौन सा हुआ, ये बड़ा है या ये बड़ा है, बड़ा ये है, तो बड़ा मेरा क्या है फाइव ए माइनस थ्री। तो हम क्या लिखेंगे, लंबाई बराबर फाइव ए माइनस थ्री, ये हो गया, और चौड़ाई बराबर फाइव ए माइनस फोर, और ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। इसको आप लोग एक बार उतार लीजिए, ठीक। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।